तो फ्रेंड्स अभी बजे सुबह के 9:30 और एज पर बच्चा डिमांड एंड मम्मी का प्रॉमिस बना दिया गया है खिचिया। ये रहा वो, अभी जस्ट नहा के आया हूँ तो थोड़ा रेडी वेडी होना बाकी है, गर्मी बहुत है इसलिए सामने अभी नहीं आएंगे, लेकिन खिचिया देख लो और हम इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड 3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी के साथ थोड़ा पवन भी चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी तो दोपहर का 1 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी वाला रहता है, तभी मतलब सोने को नहीं होता है, बैठने को नहीं होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। एसी चालू करो फिर भी ऐसा लगता है कुछ ऐसे चिपक रहा है बदन पे, ऐसा लग रहा है इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हाँ तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पता नहीं अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है आजकल जल्दी बारिश आने वाली है, क्योंकि बहुत बादल भी छा जाते हैं कभी कभी। शाम को आप देखोगे ना, मैं आपको शाम को बताऊंगी, कल हम लोग टेरेस पे गए थे, बैठे थे तो बहुत अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर था, बहुत मजा आया था। तो आज हम लोग के घर पे मेहमान आने वाले हैं तो आपको दिखाएंगे, ऊपर जाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज। तो यहाँ से दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं कल्पना सोलंकी व्लॉग्स। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तारी लेस थी तू अपड़ है। अरे जादू जादू ये क्या किया मानव ने? बचपन का प्यार अभी इसका जाग उठा है। स्केटिंग के लिए वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है। बीजू भी बांध, बीजू भी बांध। बोल दे खड़ा लाएगा। जादू नो, जादू नो बेटा नो। चल उभो थईને બતાવજો હું તો मैंने बोला था ना कि तू अगर खेल रहा है और अगर जादू आया तो खत्म। तभी हम सारे बैठे हैं टेरेस पे, क्यों बैठे है? ये रहा वो कारण। लग रहा है इसने स्केटिंग पहली बार देखे। बस जादू बस। आज सुबह उसने बकरी भी पहली बार देखी। बकरी को देख के ऐसा रिएक्ट कर रहा था, वो काट डालेगा। उसका जाने ही नहीं दे रहा है। क्या अच्छा है ना, छोड़वू छे बांधेलू छे ने ते लेस छोड़वी छे, जो ये पकड़ ली थी लेस। जादू नो, जादू भईड़ो क्या बोलो, परत पड़ी रही लू। ए कितने कितने साल के बाद में स्केट कर रहा है तू आज? कितने? वो जब 10 साल 4th स्टैंडर्ड में था ना, तो फर्स्ट सेकंड। हाँ फर्स्ट सेकंड में था तभी किया था ना, सीखा था ना वो। नो ए दादू प्ले जत प्रभजोत व्लॉग इनके। ओके गूगल प्ले प्रभजोत व्लॉग।
तो मैडम जी आप बताएंगे आज अभी हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वरी खिचड़ी में, जहाँ पे हम गुजराती खाना खाएंगे। बहुत दिनों से मैं इनको बोल रही थी कि मुझे भुवनेश्वरी खिचड़ी का दाल चावल खाना है, खाना है, खाना है, क्योंकि वहाँ पे स्वीट दाल जो शादी में बनाते हैं ना, वैसी दाल मिलती है और मुझे वो बहुत पसंद। तो कब से बोल रही थी, आज मुहूर्त आ ही गया, फाइनली आज हमारे जनाब हमें लेके जा रहे हैं और हम वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या खाना मिलता है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा है, आप भी नवसारी के हो तो ट्राई कीजिएगा, मजा या फिर कभी आओ तो जाना। हाँ, और खाना आओ खाना। तो वहाँ का विजिट करना, वो अपना क्या बोलते हैं, पारसी हॉस्पिटल की गली जो है ना सामने वाली, उधर ही है भुवनेश्वरी खिचड़ी करके, मजा आ जाएगा। आ चुके हैं भुवनेश्वरी खिचड़ी सेंटर में, अभी देखते हैं जगह है कि नहीं, क्योंकि दोपहर के 1:30 बजे है तो अभी तो लंच का टाइम चल रहा है तो सब फुल ही होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग और बैठ चुके हैं टेबल पे, और आज तो बहुत रश है क्योंकि दोपहर के 1:30 बजे है, लंच का टाइम है। आपको पहले ही बोला मैंने, लंच का टाइम है तो पूरा फुल पड़ा हुआ है। ये तो अच्छा हम लोग को सीट मिल गई, इसलिए हम लोग टाइम पे आज खाना खा लेंगे। ये देखिए क्या मंगवाया, क्या मंगवाने वाले, क्या मंगवाने वाले, गुज्जू खाना। गुज्जू खाना वो तो घर पे भी मिलता है, गुज्जू खाना है। अच्छा चलिए ऑर्डर करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी थाली आ चुकी है फाइनली। हाँ नहीं, तेरे को पापड़ नहीं खाना है, इसमें समोसा है, स्वीट में गुलाब जामुन, एक पंजाबी सब्जी, एक गुजराती दो सब्जी, दाल, सलाद, रोटी एंड रायता, उसके साथ पापड़। और ये है हमारा स्पेशल आमरस, और एक छाछ भी आएगी,
आई नहीं है अभी तक। आमरस है हमारा आज का स्पेशल खाना। चलिए तो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो भुक्कर सारा खाना खा लिया, सब खत्म। देखो एक सेकंड, भुक्कड़ होती ना तो ये सब बचता नहीं। देखो बताओ खाली, देखो दाल ऐसी है, ये सब्जी भी है, ये सब्जी भी है। ये मैं लास्ट में खाऊंगी, ये तो मैं खा ही जाऊंगी, मेरा फेवरेट है ये तो। दाल चावल तो खाना ही है ना, दाल चावल खाने के लिए तो मैं आई ठीक है। भुक्कड़ आई, तुम खा जाओ। एक ही थाली मंगाई, एक थाली में 5 रोटी आती है ठीक है। भुक्कड़ कौन हुआ बोलो। घर पे खाना खा के आ चुके हैं और इन लोग के लिए हम लोग पार्सल लाए हैं जो डीजे निकाल रही है। अभी वो लोग खाना खाएंगे और मैं आपको जाते समय बोली थी कि मुझे कुछ लेना है, मेरी फेवरेट चीज, तो ये देखिए हम लाए हैं लीची, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो आज तो जिग्नेश जी पूरा पेड़ उखाड़ के लेके आई। पेड़ कहाँ, पेड़ तो बहुत बड़ा रहता है इसका। और एक नया फ्रूट लाई हूँ, ये देखिए क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो वो सूखा हुआ जो आलू आता है वो मुझे तो लग रहा है। हाँ वही, लेकिन ये कच्चा ना वो बोलते हैं, क्या बोला उसको मैंने तो देखा ना पहली बार, तो मुझे लगा यार ये ग्रीन एप्पल इतने छोटे छोटे कहाँ से आ गए। ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। रसभरी बोला इसको, रसभरी। अभी वो फ्लाइंग बिस्ट वाली उसकी बेटी रसभरी। चलो चख के दिखाती हूँ वो कैसा है, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई करना है ये। मैंने तो खाया, मुझे तो अच्छा लगा। ठीक ठीक तभी आपने लिया, नहीं तो लेने वाले नहीं। मैंने तो वो बेचने वाले का मुंह देख के ले लिया। बहुत स्वीट है रे। बहुत स्वीट है, अंदर से वो जो बीज निकलेगा ना, नहीं ये उसमें से शायद बादाम भी, ऊपर से वेलवेट वाला जो अपना वो, हाँ उसका छोटा बच्चा, हाँ वो सेम टेस्ट है। हाँ सेम टेस्ट है, खाना मस्त है ना। दिखाओ अंदर से कैसा निकला, इधर दिखाओ, इधर नजदीक लाना, ये थोड़ा थोड़ा आलू जैसा भी लग रहा है। देखो ऐसा है, रस भरी खा रही है हमारी पौरी। जादू खाएगा, जादू कैमरे में इतना दुबला दिखता है ना, ऐसा लगता है इतना कमजोर बच्चा है, लेकिन अगर कोई इसको रियल में देखेगा तो मेरा बच्चा रियल में देखेगा तो डर जाएगा। ये इसका सीड जो है ना, उसको फोड़ेंगे तो उसमें से बादाम निकलेगी, तो ये बहुत काम आता है। चलो अभी हम अपनी फेवरेट चीज खाते हैं, चलना जल्दी छिलना। अरे बाबा ये पानी उसका लीक हो रहा है, देखो। आहा। मुझे जब भी लीची दिखाई देती है ना, तब मुझे थाईलैंड का वो कांटे वाला फल था ना जो हमने खाया था, वो याद आ जाता है जब भी लीची में देखता हूँ, तो वो इसके जैसा ही लगता था सेम खाने में, लेकिन इससे मीठा था वो और बड़ा भी था। चल हो गया, इसको जादू से बहुत डर लग रहा है ना। इधर आ। तुझे जादू से डर लग रहा है? हाँ क्यों, क्या हुआ, जादू ने क्या किया? क्या किया? जूस गिरा दिया। अच्छा जादू जादू को आज मजे पड़ गए।
सबके साथ। तो फाइनली हमारे घर पे मेहमान आ चुके हैं। ये देखो जादू के साथ मस्ती हो रही है। ये हमारा छोटू गेम देख रहा है, मस्ती कर रहा है कार्टून। हाँ, ये हमारी बहू रानी और ये हमारी छक्की, सब मोबाइल में बस। ये मेरी भाभी, ये मेरे भाई और बाकी दो अंदर है, उसको भी दिखाती हूँ उसको भी दिखाती हूँ। हेलो हेलो, ये दक्षल। हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ। मस्त है ना? हाँ। तेरी मम्मी को कुछ बोलना है बोल दे। मम्मी जल्दी आ जाओ। हाँ वही बोल दो, बोल दो। मेरी मम्मी जल्दी आए। डोलू तू कहाँ गया था? हैंड वॉश कर। पता तो सही। क्या बताऊँ, तुझे बता रही हूँ मैं, क्या बताऊँ। हाँ हाँ, तू आएगा अभी मेरे व्लॉग में, कुछ बोलेगा तेरी मम्मी को? हेलो बोलो। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मेरी सास के घर पे आई हूँ मैं। सास ने बहुत लवली खिलाई है मुझे। इट वाज यम्मी। थैंक यू, थैंक यू सो मच सासुमा, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारे घर पे गेस्ट आए थे, बच्चे लोग ने बहुत मस्ती की टेरेस पे, जादू के साथ बहुत खेले, बहुत मस्ती की, और हम लोग को भी बहुत टाइम के बाद इतना टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला भाई के साथ, भाभी के साथ, बहू के साथ, तो बहुत मज़ा आया। हम लोग ने बहुत यादें पुरानी हमारी ताज़ा की और बहुत मस्ती की। तो यहाँ तक वीडियो देखा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। Thank you.